गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग नेपाल, गुड मॉर्निंग फाइनली गाइस। अभी मैं पहुंच चुका हूँ नेपाल बॉर्डर, नेपाल इंडिया नेपाल बॉर्डर पे, और इंडिया नेपाल बॉर्डर सुनौली पर। भाई रातों रात पहुंच गया हूँ, और थोड़ी देर में मतलब जो थोड़ा धूप धूप निकल जाए भाई, तब बॉर्डर क्रॉस करता हूँ गाइस, और दिखाता हूँ आप सभी लोगों को कैसा सीन होता है। यार मज़ा तो नहीं आ रहा गाइस वैसे भी यार फाइनली, क्योंकि मतलब इतना मज़े किए आता है, मतलब इंजॉयमेंट किए, उसके बाद में यार वापस जाना पड़ रहा, तो भाई अच्छा नहीं लग रहा है। तो गाइस अभी चलता हूँ थोड़ी देर में बॉर्डर की तरफ, आप सभी लोग को दिखाता हूँ बॉर्डर कैसी है। गाइस इतना भयंकर वाला कोहरा लगा पड़ा है ना, देखिए भाई आगे के कस मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है यार। पता नहीं हमारे ड्राइवर ने कहीं चला के लाया, बस मतलब वो टाइम पे उतना कोहरा नहीं था, देखिए भयंकर वाला कोहरा है। और देखिए पूरा लाइन से ट्रक लगे पड़े, ये पूरा अभी थोड़ी टाइम पर बॉर्डर क्रॉस करेंगे 10 बजे। भाई गजब का सीन है यार। गाइस 9 बज चुके यार, लेकिन अभी भी कोहरा बहुत जोरदार तरीके से जमा पड़ा है यार, बहुत भयंकर वाला कोहरा है यार, पता नहीं कब रहते गए कोहरा। गाइस मैं ना बॉर्डर क्रॉस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ना वहाँ पर ना बहुत भयंकर वाला फॉग जमा पड़ा हुआ है, बहुत भयंकर वाला फॉग है गाइस, और कुछ दिख ही नहीं रहा। बॉर्डर का जो गेट है वो दिख ही नहीं रहा गाइस। गाइस वहाँ पर ना कस्टम ऑफिस से भैरवा का बंसार कार्यालय, आपको सब लोग को दिखाता हूँ, और देखिए दिख रहा हूँ सभी लोगों को, पता नहीं दिख रहा कि नहीं। वहाँ पर कस्टम ऑफिस है, वहाँ पर आप लोग को पासिस वगैरह मिल जाएंगे गाड़ियों के। गाइस देखिए आप सभी लोग को बॉर्डर दिखा देता हूँ यार, मैं बॉर्डर सभी लोग आ रहे जा रहे हैं, आप सभी को दिखा रहा हूँ भाई, शायद आपसे लोग पहली बार देख रहे होंगे गाइस। ये देखिए ये भाई बॉर्डर, देखिए नेपाल का बॉर्डर है, ये ऑरेंज कलर का गेट है गाइस, इसका पास से दिखाऊंगा आप सभी लोगों को थोड़ी देर में। वहाँ सभी लोग आ रहे जा रहे भाई, यहाँ पर पार्किंग के लिए भी, गाड़ी पार्किंग के लिए भी देखे जा रहे हैं, ऐसा ऐसा लगा है पूरा पार्किंग यहाँ पर। बॉर्डर देखिए गाइस, बॉर्डर गाइस जैसा कि देख सकते हैं भैरवा बंसार कार्यालय क्षेत्र, लंबी वाली भीड़ लगी है गाइस, लंबी वाली। और देख सकते हैं नेपाल बॉर्डर का गेट है गाइस, ऑरेंज कलर का, गजब लग रहा है गाइस, गजब मज़ा आ गया गाइस। गाइस देखिए पोखरा 180 किलोमीटर है यहाँ से, और लुम्बिनी 26 किलोमीटर है भाई, गजब की चेकिंग चालू है आर्मी पिंडी है अपना नेपाल आर्मी वाली की, भाई माहौल है यार गजब है, और गेट है भाई नेपाल का। गाइस देखिए भाई पास से बॉर्डर दिखा दे रहा हूँ, गजब की बॉर्डर है यार, एक ट्रस उस साइड देखिए भाई अपनी इंडिया की बॉर्डर दिख रही है, और बीच में कम से कम 100 मीटर का गैप है, 100 मीटर का। गाइस अभी इतने सारे नेपाली रुपया पड़े हैं, इसको अभी एक्सचेंज करवा लेते हैं इंडियन करेंसी में। अभी ये कितने होंगे, ऐसे तो 600-700 रुपये हो गए गाइस, करवा लेते भाई एक्सचेंज। गाइस फाइनली अभी नेपाल के बाहर जा रहा हूँ मैं, भाई बाय बाय नेपाल, बाय बाय नेपाल। गाइस जैसा कि देख सकते हैं मैं अभी इंडिया और नेपाल बॉर्डर के बीचों बीच खड़ा हूँ, ये अपने इंडिया का खूबसूरत सा गेट है भाई, जय हिंद जय भारत। और गाइस देखिए नेपाल का गेट दिखाई देता आप सभी लोगों को, ये देखिए नेपाल का गेट है ऑरेंज कलर का, अच्छा लग रहा है अभी। गाइस अपने इंडिया पर खड़े होकर के नेपाल का गेट दिखा देता हूँ, कैसी व्यवस्था है देखिए गाइस, ऐसा दिखता है। गाइस फाइनली अभी अपने भारत देश वापस आ चुका हूँ, और गाइस फटाफट अभी निकलते गोरखपुर की तरफ बस पकड़ के, तो गाइस मिलते डायरेक्ट वहीं पर अभी गोरखपुर में, और देखते भाई कैसा क्या है, टिकट निकाल के फटाफट नागपुर पहुँचने गाइस, अभी बहुत लेट हो चुका हूँ। गाइस फाइनली गोरखपुर स्टेशन पहुँच गया हूँ, और भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यार स्टेशन पे, भीड़ तो रहेगी वैसे ऑब्वियसली क्योंकि भाई इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है गाइस, भाई 10 से 10 काउंटर पूरे भरे पड़े थे, बहुत भयंकर वाली भीड़ है गाइस। तो चलो मिलते आगे तो गाइस। मैंने सुना हो कि यहाँ पर मतलब यूपी में लिट्टी चोखा गाइस बहुत फेमस है, तो भाई एक बार ट्राई करना तो बनता है गाइस, और बाहर पे कुछ ठेले वगैरह लगे तो देखते हो भाई ट्राई करके कैसा है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस गए, तो चलो मिलते गाइस आगे पर। गाइस स्टेशन देखना कितना गजब का लग रहा है यार, गोरखपुर जंक्शन भाई गजब यार, स्टेशन गजब यार भाई, बहुत बड़ा यार, बहुत बड़ा। गाइस आप सभी लोगों को फर्स्ट टाइम लिट्टी चोखा दिखा तो आए हो, सबसे लोगों ने देखा होगा पहली बार, ये देखिए गाइस ऐसे दिखता है, मस्त लग रहा है खाने में तो। गाइस देखिए आटे के ऐसे गोल गोल बनाए जाते हैं, इसको तवे में सेके जाते हैं आग में, और आलू की चटनी है, अचार वगैरह है, मूली वगैरह गाइस ऐसा है। गाइस ये लिट्टी चोखा ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है यार, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है गाइस। और गाइस जैसा कि देख सकते हैं ये भी ना गाइस बहुत फेमस है यार यूपी में, बहुत ज़्यादा देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाता है, और गाइस बहुत स्पाइसी होता है, लेकिन देखिए ऐसा है, मस्त लगता है यार गाइस खाने में। गाइज अभी मैं खड़ा हूँ गोरखपुर स्टेशन में, देखिए प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ, और गाइज लोगों की लापरवाही देखिए, एक बच्चे को बस वॉशरूम के लिए गाइज देखिए ट्रेन की पटरी पर उतार दिए गाइज, इतने क्या बोलूँ यार ऐसे लोगों को, माँ बाप यार उसके बेचारे बच्चे को यार नीचे उतार दिए, क्या शिक्षा देंगे यार उसको गाइज, ऐसे में क्या सीखेगा यार वो बच्चा ऐसे में, देखिए गाइज बहुत बेकार हो गया था यार। गुड मॉर्निंग गाइज, फाइनली वापस से नेपाल से वापस नागपुर पहुँच चुका हूँ, और गाइज मतलब उतना मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि जो जाने मज़ा था गाइज, अभी वो आने में इतना मज़ा नहीं आता है,
तो गाइस अभी चलते हैं अपने चना पोहा की तरफ और देखते हैं वहाँ पर चना पोहा, नागपुर का स्पेशल चना पोहा खाते हैं। यहाँ से बाहर निकल के सबसे पहले चना पोहा ट्राई करने का है नागपुर का, अपने नागपुर का कस्तूरचंद पार्क का फेमस चना पोहा, भाई बहुत टेस्टी होता है गाइस। आप सभी लोग आओ तो कस्तूरचंद पार्क का चना पोहा एक बार जरूर ट्राई करने का। तो गाइस चलते हैं बाहर सबसे फटाफट बाहर। गाइस अपना नागपुर दिखाता हूँ, अपना नागपुर का स्टेशन दिखाता हूँ आप सभी लोगों को। देखिए नागपुर का स्टेशन है भाई, अपना मालगाड़ी लगी पड़ी है, तो गजर अपना नागपुर का स्टेशन भाई। गाइस देख सकते हो बहुत ज्यादा भीड़ लगी है यार, बहुत ज्यादा भीड़ लगेगा। भाई मुझे लगता है ना कि आज हमारे नागपुर में कुछ ना कुछ तो कार्यक्रम है या फिर कुछ प्रॉब्लम है भाई, बहुत भयंकर वाली पुलिस लगी पड़ी है। देखिए गाइस बहुत भयंकर वाली। गाइस अभी ने बहुत ही भयंकर वाला स्कैम कर दिया बस वाले ने, मेरे साथ नहीं और बच्चे लोग तो साथ में गया। फाइनली यार गाइस नागपुर पहुंच चुका हूं यार, इतना लंबा टूर करने के बाद गाइस नागपुर पहुंच चुका अपने घर पर। और गाइस बैकग्राउंड में मत जाना, बैकग्राउंड ये मेरा छत है, बैकग्राउंड छत का मैं थोड़ी सी हालत ख़राब है अभी तो उसको रिपेयर करना बचा है अभी, बैकग्राउंड वाइज बहुत ख़राब है भाई। अगर आप सभी लोग को नेपाल सीरीज अच्छी लगेंगे गाइस तो दिल से सपोर्ट करना यार, बहुत तुम्हारा भाई बहुत मेहनत करके आए थे, इतनी कठिन मतलब इतना परिश्रम करके गाइस मैं नेपाल गया यार। भाई सफ़र बहुत भयंकर रहता है यार, बहुत भयंकर सफ़र नेपाल का, बस से जाऊँगे तो बहुत भयंकर रहता है यार, क्योंकि वहाँ पूरा ना ऑफ रोड रहता है यार, बहुत भयंकर रोड है वहाँ की, बहुत ख़राब रोड है। तो गाइस आई होप आप सभी लोग को नेपाल सीरीज अच्छी लगी होंगी, तो बहुत धूप है यार, मतलब सब्सक्राइब करना गाइस और बिल्कुल सपोर्ट दिखा देना गाइस, और जितना सके शेयर करो भाई, तुम्हारे भाई को सपोर्ट करो। तो गाइस मिलते हैं ऐसे धमाकेदार नेक्स्ट व्लॉग में। भी आया तेरा कि दिल परदेसी हो गया।